इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशियंस की क्लास कापी को डिस्कस करेंगे कापी ग्रीक वर्ड्स है कॉप का मतलब है और और पोर्ड्स का मतलब है फुट यानी फुट जो हैं इसके अंदर चप्पू की शक्ल में मौजूद होंगे अब इसके मेंबर्स में ज़्यादातर क्रस्टेशियंस के मेंबर्स जो हैं दे बिलोंग टू दिस क्लास मेरीन भी हैं फ्रेश वाटर भी हैं दोनों तरह के हैबिटेट्स में इसके एनिमल्स रहेंगे कॉपीपोर्ड जो है अगर इनकी हम बॉडी की शेप देखें दैट इज़ यूजली सैलेंड्रिकल एंड दे हैव अ मीडियन ऑलस ओसिलस अब ये मीडियन ओसिलस जो है दिस इज एन स्ट्रक्चर दैट इज कंसर्न विद द वीएन ये नोपलियस लार्वा के स्टेज में ही बॉडी में डेवलप हो जाएगा एंड दिस विल परसिस्ट टिल द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट स्ट्रक्चर अब इसमें एंटीने प्रेजेंट हैं एंड थ्रेसिक अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं और ये जो है थ्रेसिक अपेंडेजेस ये मॉडिफाइड हैं स्विमिंग के लिए एबडामन के ऊपर कोई भी अपेंडिज प्रेजेंट नहीं होगा ज़्यादातर कॉपीपोर्ड्स जो हैं दे आर आल्सो प्लैंकटोनिक एंड दे यूज़ देयर मैगजीला खास तौर पर सेकेंड मैगजिला फॉर फिल्टर फीडिंग फिल्टर फीडिंग उन एनिमल्स के अंदर कॉमन प्रोसेस है जो कि वाटर में रहेंगे अब ये जो हैं कापी दे प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द मेरीन फूड वेब एंड इन द फूड चेन आल्सो और इसी वजह से एवोल्यूशनरी प्रस्पेक्टिव में दे आर कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट एनिमल्स कुछ कापी जो हैं दे आल्सो लिव इन द सबस्ट्रेट फ्यू आर प्रीडेटरी और कुछ जो हैं कोमेंसल की शक्ल में पैरासाइट्स की शक्ल में जो पैरासाइट्स कहाँ पर होंगे कोमेंसल कहाँ पर होंगे मेरीन इनवर्टिब्रेट्स फिश या मेरीन मैमल्स जो हैं उनकी बॉडी पे ये एज अ पैरासाइट भी रह लेते हैं और एज अ कोमेंसल भी रह लेंगे दिस इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल एंड बॉडी शेप ऑफ द कापिपोर्ड्स हेयर इट्स बॉडी इज सिलेंड्रिकल। दीज आर दिस इज द ऑसिलस दिस इज़ द एंटीने दीज आर देंडेजिज And they are only present at the thorax region, at the abdominal part, you can say that there is no appendage present, and then is the head thorax and abdomen, last abdominal segment uh, last abdominal uh, part, johad this also bears the appendages. So pods. they are important animals in the food chain or food web. Whether in the marine environment or in the terrestrial environment.